नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और इसमें एक प्रश्न था एलसीएम और एससीएफ का। मेरे ख्याल से आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये टॉपिक किसकी है और ये टॉपिक बहुत ही निंदनीय है। मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आया हूँ ताकि ये समझा सकूँ आपको कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, आप छात्रों के साथ भी और अध्यापकों के साथ भी। सबसे बड़ी बात है मैं बता दूं कि जो मैटर है आपका, एक यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में एक प्रश्न आया था एससीएफ या एलसीएम निकालने को, और उसमें एक प्रश्न पे शायद एक बहुत ही आप नाम भी जानते होंगे, रंजन सर हैं, आदित्य रंजन सर, और इनके द्वारा एक गलत सॉल्यूशन दिया गया। और यहाँ तक तो ठीक था, देखिए अध्यापक है, गलती कर सकता है, हालांकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा चेहरा होके गलती करना कहीं ना कहीं अक्षम्य होता है। अक्षम्य इसलिए नहीं होता कि आप गलती नहीं कर सकते हो, आप भी मानव हो, आप भी गलती कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप एक बहुत बड़े आइकन हो और आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो छात्र जो आपको अपना सब कुछ मान के, आपको ही अपना आइडल मान के तैयारी करते हैं और आपके बताए हुए तरीकों को ही अपना तरीका मानते हैं। ये बात हमने भी फील किया जब हमने सॉल्यूशन दिया, और सॉल्यूशन देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने हमें सीधा स्क्रीनशॉट भेजा, और वो स्क्रीनशॉट यही है, आप सभी के पास होगा कि सर आदित्य सर तो ये बता रहे हो और आप ये बता रहे हो, आपका गलत है। तो मैं ये आपसे बस बोलना चाहूँगा कि छात्र हम पे जल्दी विश्वास नहीं करता है कि भले ही हम सही हो, आप पे विश्वास करेगा भले ही आप गलत हो, और यहीं पे एक बड़ा और एक छोटे होने का अंतर होता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ गलती किसी से भी हो सकती है। इसका एक जो विकराल रूप लिया, एक जो गलत रूप लिया, वो किया गगन सर ने, और मैंने देखा इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में ये दोनों बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े नाम हैं, और इसके बाद भी दोनों लोग कंट्रोवर्सी में आए जो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अध्यापक होकर किसी एक दूसरे अध्यापक के ऊपर छींट डालते हो, किसी दूसरे अध्यापक को नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, तो आप खुद अपने अध्यापक बनने की गरिमा को आप कहीं साइड में कर दियो। इसका मतलब आप एकमात्र यूट्यूबर हो, एकमात्र आप बोल सकते हो रोस्टर हो, जिसे रोस्ट करने में मज़ा आता है, जिसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। मैं यही बात अच्छे से समझता कि आप आदित्य सर को कॉल करते, उनके जो कॉलिंग नंबर है उन पे कॉल करते, बताते आप कि आदित्य सर आपसे ये गलती हो गई है, एक बार बच्चों को आके ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि बच्चों को बच्चे गलत सोल्यूशन करके दूसरे शिफ्ट में गलती ना करें, क्योंकि वो बच्चे आपको फॉलो करते हैं। मैं समझता आपने एक अपने अध्यापक की गरिमा बनाए रखी है, और आप एक वीडियो ला के ये दिखाने के लिए नहीं, मैं भगवान हूँ, मैथ मुझसे पैदा हुई है। मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों को चाहे जो भी हो घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, जो आप जहाँ पे भी हो वो आप अपनी वजह से केवल नहीं हो, ये बात मैं मानता हूँ कि इंसान दिन रात मेहनत करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, और उसके अंदर खुद क्वालिटी होती है। लेकिन आप अकेले दो मात्र नहीं हो, ऐसे हजारों टीचर हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, जिस भी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते आ रहे, और शायद आपसे भी अच्छा कॉन्सेप्ट उनके पास है और आपसे ज़्यादा बेहतर वो पढ़ा लेते हैं। लेकिन समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, समय के साथ आप थे। वर्ष 2016-17 जब यूट्यूब का नया नया जमाना आया था, नया जियो सिम का जमाना आया था, नई वैकेंसीज आई थी, उस समय आप बूस्ट कर गए, इस कारण से आप अपने आप को भगवान मानने लगे हो। तो ये घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ, घमंड सबका चूर हुआ है, जो करेगा उसका भी चूर होगा। तो एक जो गरिमा है एक अध्यापकों के बीच में वो बनाए रही है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आदित्य सर से यहाँ पर गलती हुई है। और आपने जैसे कहा गगन सर ने कि भाई आप क्वेश्चन का कैलकुलेशन किसी से भी गलती हो जाती है और कॉन्सेप्ट की गलती नहीं चलती है, इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ भाई आप इतने बड़े अध्यापक हो, इतना बड़े, इतने बच्चे आपको फॉलो करते हैं, इतनी सारी आपने क्लासेस पढ़ा चुके होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करा चुके होंगे, अगर आपने ये तरीका अपनाया होगा तो जरूर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिसमैच हुआ होगा और आपका नजर गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहां पे गलती कर रहे हो तो उसके दो कारण हैं, या तो आपने तुरंत पेपर सॉल्व कराने का प्रयास किया, बट जैसा मैं देख पा रहा हूं कि प्रॉपरली पीपीटी बनी हुई है, क्वेश्चन को एकदम काट के लगाया गया हुआ, एक पेज पे एक क्वेश्चन है, तो इस पे प्रॉपरली काम हुआ है, और काम हुआ है इसका मतलब आपने इससे पहले से सॉल्व करके आए होंगे, फिर भी आपने गलत बताया। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पे गलती क्या हुई, क्योंकि लोग केवल एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगे, ये नहीं बता रहे कि गलती कहां पे हुई है और बच्चा कहां पे से सही कर सकता है। इन्होंने इस प्रश्न में ये पूछा था कि 0.7 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.7 है, और साथ में दिया हुआ था 0.35 है, और साथ में क्या दिया हुआ था, साथ में दिया हुआ था 1.05 है।
अब इसको इसका निकालना क्या था, इसका निकालना था मासा यानी कि एससीएफ निकालना था। दोनों विधियां हैं, एक आपका डेसिमल का विधि है। डेसिमल की विधि कहती है आप दशमलव के बाद के अंक को बराबर कर लो। दशमलव के अंक के बाद के बराबर करोगे तो ये 0.70 हो जाएगा, ये 0.35 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। दशमलव के बाद हमेशा क्या है, सारे में दो दो डिजिट है जिसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं। अब इन दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक में 100 से गुणा कर दो। प्रत्येक में 100 से गुणा कर दोगे तो ये पूर्णांक बन जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। दशमलव में कई बार गलतियां हो जाती हैं लेकिन पूर्णांक में गलतियां नहीं होती हैं। 70, 35, 105 का जब एससीएफ आएगा तो 35 आएगा, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया था इसलिए 100 से भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 0.35। लेकिन आदित्य सर ने इसे क्या बोला, 0.07 बोले, इसको क्या बोले 0.07। उनसे गलती क्या हुई, उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने फ्रैक्शन में बदला, मतलब 0.7 को इन्होंने लिखा 7/10। आप यहां पे देख पा रहे होंगे इन्होंने लिखा है 0.7 को, इन्होंने क्या लिखा है 0.7 को 7/10 लिखा, 0.35 को इन्होंने 35/100 लिखा और 1.05 को 105/100 किया। और गलती इनसे यह हुई कि इधर इन्होंने ऊपर, जब आपका फ्रैक्शन होता है एबीसी अगर ऊपर है, अगर आपने देखा होगा अगर ए ए बटे अगर बी ले लिया जाए, सी बटे डी ले लिया जाए, ई बटे एफ ले लिया जाए, तो जो ऊपर होते हैं जैसे ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, इनका आप एससीएफ पूछा था तो ऊपर वाले का एससीएफ निकाल दोगे और नीचे वाले का क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। इन्होंने भी ये तरीका निकाला, ये दोनों ही तरीके अपनी जगह सही पे हैं, बट वो शायद गलती यहां पे की है कि इन्होंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा नहीं। तो बच्चे अगर आप इसे करोगे कि डेसिमल से फ्रैक्शन में करोगे तो हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे। मैंने क्लास में भी आपको इस चीज को बताया था, क्योंकि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, जब इतने बड़े अध्यापक से गलती हो सकती है तो आप बच्चे हो। तो यहां पर अगर 5 से करेंगे तो ये 21 आएगा, ये 20 आएगा, यहां पर 5 से करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 20 आएगा और ये 7 और 20 तो रहेगा। 7, 7, 21 का अगर हम लोग देखेंगे, 7, 7, 21 का जो हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, एससीएफ ही पूछा गया था तो ऊपर एससीएफ होगा। 7, 7, 21 का एससीएफ 7 होगा और 10, 20, 20 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। यानी कि अगर हम लोग यहां पे करें 7/20 करें तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, 0.35 ही हमारा क्या आ जाएगा, 0.35 हमारा उत्तर आ जाएगा जो कि यहां पे आया हुआ है। तो ये छोटी सी गलती हुई है, कॉन्सेप्चुअली भी नहीं, इसे हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गलती बोलेंगे कि जल्दबाजी में इन्होंने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया। अब ये बात अगर आपकी कंट्रोवर्सी तक पहुंच जाती है, एक दूसरे पे लाछन लगाने लगते हो, ऐसा पहले भी आपने किया है, ऐसा फिर करते हो, तो इसका मतलब आप गुरु की मर्यादा को भंग कर रहे हो। ये कार्य बहुत ज्यादा निंदनीय है। मैं दोनों अध्यापकों से कहूंगा और हर उस अध्यापक से कहूंगा जो इस कार्य में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होता है। मैंने देखा अभी हिंदी की बात किया जाए तो आरडब्ल्यूए के नवीन सर और करियर विल के अरुण सर, उनमें युद्ध छड़ा हुआ है कि गागर ने सागर से कुछ नहीं फंसा। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत गलत है। हर अध्यापक अपने स्तर से, हर संस्था प्रयास करती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर पढ़ाया जाए और क्वेश्चन फंसाया जाए। फंसना नहीं फंसना उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ये उसके पढ़ाने के तरीके पे डिपेंड नहीं करता है। पहली बात ये समझिए। और इसमें जो छात्र इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बहुत मजा आता है कि अब चलो अब रोस्टिंग होगी, अब आदित्य सर कुछ बोलेंगे, अब गगन सर कुछ बोलेंगे, अब नवीन सर कुछ बोलेंगे, अब अरुण सर कुछ बोलेंगे। तो ऐसे छात्र भी बहुत ही, आप भी निंदनीय वाला कार्य ही कर लो। अगर आप मेरे बात से असहमत हो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, और अगर मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक गुरु को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। आपने बोला कि आप एसी में रहते हो फिर भी ये गलती करते हो, तो आप कौन सा, खुली धूप में आप वहां पे जाके पढ़ाते हो, आप भी तो एसी में ही पढ़ाते हो, ये सब करना बहुत गलत है। अगर इन्होंने गलती की, इस बात को मैं बोलता हूं कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल गलती है और आप एक बहुत बड़े आइकन हो। आपको थोड़ा लेट आओ, थोड़ा लेट आओ तो चलेगा, लेकिन बच्चों को आप सही जानकारी दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करते हैं। और अगर कोई इस पे लांछन लगाता है तो भी वो गलत है। उसका सही तरीका ये था कि आप उसको क्लेरिफाई करते, आप उसे किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का अधिकार आपको किसी को नहीं दिया गया है, ये बात आप सभी को समझना चाहिए। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।